तीन चार पाँच महीने ने बेड से गिरे, उनके इसके ब्लड हड्डी का कैंसर हो गया। सबको देख के डरता था। आप इस बच्चे की क्या लगती हैं? मैं इस बच्चे की वालदा। आप इस बच्चे की वालदा हैं? जी जी। इसको हुआ क्या था? ये ना तीन चार पाँच महीने ने बेड से गिरा है। बेड से गिरने के बाद ये इसको बुखार होना शुरू हो गया। जब बेड से गिरा इसका ब्लड नहीं निकला। अच्छा, तो ये बुखार चला फिर उसके बाद इसको हो गया, टाइफाइड हो गया। टाइफाइड के बाद हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके गए चेकअप के लिए, तो उन्होंने इसको हेमाटोलिस में दाखिल कर लिया वार्ड में। उन्होंने कहा इसका ब्लड हड्डी को कैंसर हो गया। उस दरमियान में ना तो ये कुछ खाता पीता था, ना सोता था, सबको देख के डरता था, ना चलता फिरता था। तो जब हम ना उस हॉस्पिटल में दो छुट्टियाँ लेकर हम तो इसको लेके आए, इधर दो दम करवाए हमने, और यहाँ हॉस्पिटल भी हमने छोड़ा हुआ तकरीबन डेढ़ माह हो गया, दो माह, ना तो कोई मेडिसिन दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, सिर्फ यहीं से दम करवा रहे हैं। और अल्लाह पाक का शुक्र है इसकी राइट वाली आँख भी बहुत ज़्यादा बाहर आ चुकी हुई थी। अच्छा, दम के दम से ना आँख भी पीछे गई है। अच्छा, तो इसको इसकी कीमोथेरेपी आपने करवाई थी? हाँ जी, एक मरतबा करवाई है। एक मरतबा करवाई है। 13 जनवरी को दोबारा बुलवाया था हमने, गए क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया था? अल्लाह का शुक्र है। पहले तो यहाँ दम करवाने से एक दो दम के बाद इसके नाक से ऊन ही बंद होता था, हर रोज ब्लड लगता था। भाजी, एक बच्चे को जब तकलीफ होती है तो एक माँ पे क्या गुजरती? जब इसको तकलीफ, जब ये गिरा था, इसको तकलीफ हुई थी, तो क्या हुआ था इसको, ये बताएं, आपके क्या तासुरात थे उस वक्त? आप एक माँ के क्या तासुरात हो सकते हैं जब बच्चा तकलीफ में और ना सोता था, ना खाता था, सबको सबको देख के डरता था। और माँ के लिए तो बस एक अल्लाह को याद करना था, या अल्लाह कोई ऐसा रहमत का फरिश्ता बना देते हैं, या कोई मेरा ऐसा रास्ता बता दे जो हम हमारे बच्चों को तंदुरुस्ती से या भी मिले। तो अब इस बच्चे की हालत माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बता रहे हैं बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो आप क्या कहती हैं सरकार के बारे में, आपके क्या तासुरात हैं फिर? सरकार के बारे में हम जितना भी बयान करें उतना भी कम है, उन लफ्ज़ों में हम शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते जितना कि अल्लाह पाक ने सरकार की दुआओं से हमारे बच्चे को दोबारा ज़िंदगी दी है। और हम मैं क्या, मेरा बच्चा क्या, हम पूरा खानदान ही एक साथ सरकार का मुरीद हो गया।